इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सकल दिगंबर जैन समाज हीरापुर जिला सागर मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आस्था और आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने जिनवानी चैनल पर। दर्शकों, मध्य प्रदेश राज्य के जिला सागर की पावन भूमि हीरापुर स्थित राजा साहेब गैरेज में 14 से 19 जनवरी के मध्य आयोजित श्री 1008 श्री आदिनाथ मजिनेन्द्र जिन विम्ब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के अंतर्गत गर्भ एवं जन्म कल्याणक की पावन झलकियां। इस कार्यक्रम में भक्तों को परम पूज्य गढ़ाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज का मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य युवा हृदय सम्राट जन संत मुनि श्री 108 विरंजन सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। तो आइए दर्शकों, हम भी आनंद लेते हैं 15 एवं 16 जनवरी के मनोहारी दृश्यों का। परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य युवा हृदय सम्राट जन संत मुनि श्री 108 विरंजन सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 14 से 19 जनवरी के मध्य प्रदेश राज्य के जिला सागर हीरापुर स्थित राजा साहब गैरेज में श्री 1008 श्री आदिनाथ मजिनेन्द्र जिन बिम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस 6 दिवसीय कार्यक्रम में 15 जनवरी को कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु के अभिषेक एवं शांति धारा के साथ हुई। ओम नमः शिवेभ्यः, ओम नमः शिवेभ्यः, ओम नमः शिवेभ्यः, श्री पित्रागाय नमः। नमो हरिहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो ऐनियारम, नमो वैज्ञानम, नमो लोहे शवेशाहुनम। शांति धारा के बाद पूज्य गुरुदेव ने सुख दुख के सार को समझाते हुए श्रावक श्राविकाओं को जीवन जीने के ज्ञान का बोध कराया। दुख सुखानी जो सुखी दुखी करोमी करता है, जो जीव ऐसा मानता है कि मैं सुखी कर रहा हूँ, मैं जीव को दुखी कर रहा हूँ, जो जीव ऐसा मान करके बैठा हुआ है, सामूढ़ वही मूढ़ जीव अज्ञानी है। कौन सा है अज्ञानी? कौन है जो ये मान करके बैठा है कि मैं परिवार चला रहा हूँ, मैं व्यक्ति को सुखी कर रहा हूँ, मैं व्यक्ति को दुखी कर रहा हूँ, और ये सब मान्यता कौन लेकर बैठे हैं? ये सब आप सब यही मान करके बैठे। गुरुवर के प्रवचन पश्चात श्रद्धालुओं द्वारा समारोह स्थल में मंदिर जी तक नगर के प्रमुख स्थानों का भ्रमण करते हुए भक्ति में होकर ढोल नगाड़ों के साथ धूमधाम से घटी यात्रा निकाली गई। घटयात्रा के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर श्रेष्ठियों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मंडप एवं वेदी शुद्धि की क्रियाओं को किया।
शुद्धि आदि की क्रियाओं के पश्चात प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन एवं मंत्रोच्चारण के बीच श्रावक श्रेष्ठियों ने प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए। कार्यक्रम की अगली कड़ी में तीर्थंकर के माता पिता का स्वागत सम्मान करते हुए माताजी की गोद भराई की गई। अब श्रद्धालुओं ने भक्ति नृत्य करते हुए प्रभु की आरती वंदना की। इसके पश्चात जिजोतिया परिवार एवं कमेटी पदाधिकारियों द्वारा विशिष्ट जनों एवं अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। प्रभु के ही गीत गाए, प्रभु के ही गीत गाए, हरदम हरदम लेके शरणम भक्ति में सब खो जाए। प्रभु के ही गीत गाए, अब समय आया गर्भ कल्याणक प्रसंग का। सौधर्म इंद्र के आदेश पर स्वर्ग से आई अष्ट देवियाँ माता की सेवा में लग जाती हैं एवं रात्रि के चौथे पहर में माता जी को 16 स्वप्न दिखाई देते हैं। मैंने देखे सकी 16 सपने, मैंने देखे भले भले लाओ अपनी सखियों को बोलाओ। मैंने रात्रि में 16 सपने देखे हैं। क्योंकि आपने पहले सपने में देखा ऐरावत हाथी। इस कार्यक्रम में अगले दिन यानी 16 जनवरी को कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु के अभिषेक एवं शांति धारा के साथ हुई। ओम रीम श्री शांतिनाथ अशोक दोषाते मंत्र अशोक दोषाते हैं हिमलोन विजय शब्द शांति कराए नमः सर्व शांति करो करो। ओम रीम श्री शांतिनाथ सत्प्राते हैं मंत्र सत्प्राता है हिमलोम विजय शब्द शांति कराए नमः सर्व शांति करो करो। ओम रीम श्री शांतिनाथ दिव्य ध्वनि सत्प्राते हरे मंत्र दिव्य ध्वनि सत्प्राते हरे शोभन हिमलोम विजय शब्द शांति कराए नमः सर्व शांति करो करो। ओम रीम श्री शांतिनाथ चामोजल सत्प्राते हरे मंत्र चामोजल सत्प्राते हरे शोभन बताए शब्द शांति कराए नमः सर्व शांति करो करो।
अब समय था जन्म कल्याणक प्रसंग का। सौधर में इंद्र शची इंद्राणी के साथ दरबार में उपस्थित है, तभी अचानक सिंहासन कंपायमान होता है। सिंहासन कंपायमान होने पर सौधर्म इंद्र अवधि ज्ञान लगाने के बाद साष्टांग प्रणाम करते हैं और अयोध्या में महाराजा नाभिराय के यहाँ भगवान के अवतरण की जानकारी देते हैं। इस जानकारी पर दरबार में हर्षोल्लास छा जाता है। नमोस्तु नाभिनंदनो नमोस्तु आदिनाथ। हे प्रिय, अत्यंत प्रसन्नता की बात है, अयोध्या नगर में महाराजा नाभिराय के सर्वतोभद्र महल में महारानी मरु देवी की कोख से तीर्थंकर बालक का जन्म हो चुका है। जय हो, जय हो, जय हो। पूरब से आई सुना और बहनों भाई, कैसी खड़िया सोहानी आई रे गुरुवा, गुरुवर सोहानी आई रे गुरुवर, गुरुवर सोहानी आई रे। इधर अयोध्या में महाराजा नाभिराय के दरबार में बधाइयां गाई जा रही हैं और सौधर में इंद्र शची इंद्राणी एवं अन्य इंद्रगणों के साथ पधारते हैं। बधाई बधाई हो, बधाई राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो, बधाई हो महाराज, बधाई हो। महाराज यह भेंट आप सामग्री स्वीकार कीजिए। महाराज स्वीकृत है, धन्यवाद आपको, धन्यवाद इंद्रराज। कहिए कैसे आना हुआ है। महाराज आज कितना पावन दिवस है, हम सभी बालक आदि कुमार के दर्शन सौभाग्य प्राप्त करेंगे। अब समय था परम पूज्य युवा हृदय सम्राट जन संत मुनि श्री 108 विरंजन सागर जी महाराज के मुखारबिंद से होने वाली अमृत वर्षा का। गुरुवर ने तीर्थंकरों की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए भक्तों को कुछ इस प्रकार बतलाया। जन्म तो उनका बहुत बरसों पहले, बरसों नहीं अनंत अनंत वर्ष निकल गए तब हुआ और मोक्ष भी हो गया, लेकिन आज उनका उत्सव यहां मना करके हम अपना कल्याण करने के लिए उत्सव मना करके आनंदित हो रहे हैं कि अब विचार करिए, मंथन करिए, मनन करिए कि जब एक तीर्थंकर भगवान का यहाँ पर अभी जन्म का जैसे ही सूचना मिली तो कैसे लोग प्रफुल्लित होकर के उठ करके नाचने लगे, मन प्रफुल्लित हो गया, मन आनंदित हो जाता है। जब एक पंचम काल के इन पंच कल्याणकों में जन्म कल्याणक पर मन प्रफुल्लित हो जाता है तो साक्षात तीर्थंकर का जन्म जब होता है तो तीनों लोकों में एक क्षण के लिए शांति। इधर शची इंद्राणी प्रसूति गृह से तीर्थंकर बालक को लेकर आती हैं और सौधर में इंद्र के अनुनय विनय पर उन्हें सौंप देती हैं। सौधर में इंद्र तीर्थंकर बालक को हजारों नेत्रों से निहारते हैं। हे शची, प्रभु को लाइए, मेरे पास लाइए। प्रभु को लाने में कितना विलंब कर दिया, जल्दी लाएं, जल्दी लाइए शची, मेरे को सौंप दो, मुझे खिलाना है बालक को। स्पर्श करके अपने आप को धन्य कर लीजिए, लीजिए स्वामी। जय हो। चंदा जैसा मुख प्रभु का जाऊं बारी बारी। और इधर सौधर में इंद्र तीर्थंकर बालक को लेकर शची इंद्राणी के साथ गज पर सवार होकर सुमेरु पर्वत की ओर चल देते हैं और बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के साथ शुरू होती है भव्य शोभा यात्रा। Thank you.
आकर्षक गज पर तीर्थंकर को लेकर चलते सौधर्म इंद्र इंद्राणी अन्य रथों आदि में सवार जैन परिवार एवं बैंड बाजू की मधुर ध्वनियों के बीच झूमते थिरकते श्रावक श्रेष्ठियां शोभा यात्रा की भव्यता को दर्शा रहे थे। शोभा यात्रा के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद सौधर्म इंद्र सहित सौभाग्यशाली जिनेन्द्र भक्तों ने पांडुशिला पर विराजमान श्री जी का जन्माभिषेक किया। सम तम पम छुई छुई हम सह नमोरते मणिमय मंगल कल सेन भगवत प्रतिकृति सुगंध जलेन स्नप्यामः। ओम प्रीम श्रीम बम बम हम सम तम पम छुई छुई हम सह नमोरते मणिमय मंगल कल सेन भगवत प्रतिकृति सुगंध जलेन स्नप्यामः। इसके पश्चात सौभाग्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों ने आकर्षक मंगल दीपों से प्रभु की आरती कर मंगल भावना भाई। आरती के उपरांत विशिष्ट जनों एवं आगंतुकों ने गुरुवर को नमन वंदन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं उनका भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। इधर प्रभु के अवतरण की प्रसन्नता में सौधर्म इंद्र तांडव नृत्य करते हैं। तेरी शांति छवि मन बस गए रे। अब समय आया तीर्थंकर को पालना झुलाने का। सौभाग्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों ने पालनहार को पालना झुलाकर अपना जीवन धन्य किया। दर्शकों अभी आप देख रहे थे परम पूज्य गढ़ाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य युवा हृदय सम्राट जन संत मुनि श्री 108 विरंजन सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित श्री 1008 श्री आदिनाथ मजीनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के गर्भ एवं जन्म कल्याणक की अनुपम झलकिया। पुनः बता दें कि ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश राज्य की धार्मिक नगरी सागर के हीरापुर स्थित राजा साहेब गैरेज में 14 से 19 जनवरी के बीच आयोजित किया गया। इसी के साथ अब मुझे दीजिए आज्ञा। दर्शकों मेरे पास आप सभी के लिए एक अच्छी खबर है। फरवरी में होने वाले 10वीं और 12वीं के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए दर्शकों के पॉपुलर डिमांड पर जिनवानी चैनल के रिलीजियस सिंगिंग रियलिटी शो सुरविद्या सीजन 2 के लिए ऑनलाइन ऑडिशन की डेट फरवरी तक एक्सटेंड कर दी गई है। तो आप में से जिन्होंने अभी तक अपना ऑडिशन वीडियो हमें नहीं भेजा है उनके लिए वाकई एक सुनहरा मौका है। हमारे व्हाट्सएप नंबर 6397999749 पर आप बिना कोई समय गवाएं अपना ऑडिशन वीडियो तुरंत हमें भेजें। आप अपनी एंट्री हमें जिनवानी चैनल ऐप के माध्यम से भी भेज सकते हैं। और हाँ, अपनी आवाज को पहचान दिलाने के साथ साथ सुरविद्या का ये दूसरा सीजन आपको दे रहा है एक चमचमाती लग्जूरियस ब्रांड न्यू कार, लाखों की धनराशि और सोने चांदी के अनलिमिटेड गिफ्ट्स, जीतने का एक सुनहरा मौका भी। तो हो जाइए तैयार क्योंकि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है इस बार। तो आप वीडियो भेजने की तैयारी शुरू कीजिए और मुझे दीजिए इजाजत। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सकल दिगंबर जैन समाज हीरापुर जिला सागर मध्य प्रदेश।